हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। नंबर 1, तुर्क खलीफा की स्थापना करने वाले सबसे पहले इंसान इर्तुगुल गाजी थे। इर्तुगुल गाजी के टाइम पर तुर्क खलीफा काफ़ी स्पीड से आगे बढ़ रही थी। नंबर 2, इर्तुगुल गाजी ने कुछ ही दिनों में अपनी बहादुरी का सिक्का बिठा दिया था। उनकी जीत का नतीजा ये हुआ कि बाकी बहुत से तुर्क के कबीलों ने भी इर्तुगुल गाजी को अपना सरदार स्वीकार कर लिया। नंबर 3, गाजी इर्तुगुल सुल्तान अलाउद्दीन के नायब के रूप में लड़ाई जारी रखी और उनकी ताकत दिन प्रतिदिन बढ़ती रही। नंबर 4, इर्तुगुल गाजी के बड़े मुहियुद्दीन इब्नुल अरबी थे, जो हर युद्ध में इर्तुगुल गाजी को सलाह देते और आने वाले खतरे से सूचित करते थे। नंबर 5, गाजी इर्तुगुल ने बरजंतेन सल्तनत के एक बहुत बड़े सेना को हराया और काफ़ी समय से इस जागीर को हासिल करने के लिए लगातार युद्ध लड़ते रहे। 1281 में उनका देहांत हुआ और वो सोबत के मकबरे में दफन है। नंबर 6, इर्तुगुल गाजी के बाद इर्तुगुल गाजी के बेटे उस्मान गाजी सरदार बने। उस्मान गाजी भी अपने पिता की तरह बहादुर थे, उन्होंने भी जीत का सिलसिला जारी रखा। दूसरी तरफ सुल्तान अलाउद्दीन भी एक सलजुकी के युद्ध में शहीद हो गए। उनके बाद उनके बेटे ततारियों की सेना द्वारा शहीद हो गए। नंबर 7, 1299 में सलजुकी सल्तनत बिल्कुल ख़त्म हो गई। उस्मान गाजी ने अपनी तमाम क्षेत्र में अपनी खुद की हुकूमत का ऐलान कर दिया। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे।